वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बाघों की संख्या पर पेश केंद्र सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। अकबर ने बताया है कि उनकी सरकार प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश का पालन करेगी। और अकबर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता ने, चलिए दिखाते हैं। हक में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक बड़ा फैसला किया है कि रायपुर के आसपास जो भी फैक्ट्रियां प्रदूषण फैलाएंगी उनको तत्काल बंद कर दिया जाएगा। हमारे साथ पर्यावरण और वन मंत्री मोहम्मद अकबर साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये जो एनजीटी का फैसला आया है इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कराएंगे? ये जो एनजीटी का फैसला है वो तत्काल बंद करने के बारे में नहीं है। उनका ये कहना है कि उद्योगों में मॉनिटरिंग करें और मॉनिटरिंग करने के बाद जो पाया जाता है जो उद्योग प्रदूषण फैला रहे हैं तो उनके बारे में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई करें। और दूसरा ये दिया है कि मतलब वायलेशन करने पर बड़े जो उद्योग हैं उनको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, मध्यम को 50 लाख और छोटे उद्योग को 25 लाख का जुर्माना करना है। 5 साल का भी आकलन करना है कि किसने कितना प्रदूषण फैलाया, तो उसके आधार पर वो फैसला है और वो समीक्षा के आधार पर अब उसमें कार्रवाई आगे करेंगे। कि पूरे देश में बाघों की तादाद बढ़ गई है लेकिन छत्तीसगढ़ में आधे से भी ज्यादा कम हो गए हैं बाघ, 46 से घट करके 19 हो गए। ये 2018 का आंकड़ा प्रकाशित हुआ है और ये बड़ी खुशी की बात है कि पूरे देश में बाघों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन विशेष करके जो छत्तीसगढ़ का मामला है तो जिस तरीके से जानकारी दी गई कि अलग अलग कैमरे लगाए गए थे और उसके आधार पर उसकी गणना की गई है, हमारा बहुत बड़ा जो हिस्सा है बस्तर में केरल से बड़ा राज्य भूभाग के हिसाब से बस्तर है, वहां पे नक्सली समस्या को लेकर भी बड़ा ये नहीं कहा जा सकता कि हर जगह आपने कैमरा लगा पाए, तो गणना में एक बहुत बड़ा भूभाग वंचित रह गया, ऐसा मेरी जानकारी में है। तो यदि फिर से गणना ठीक ढंग से हो जाए तो मैं ऐसा समझता हूँ कि संख्या में वृद्धि सामने आएगी। इसके लिए कुछ पत्र व्यवहार वगैरह करेंगे या कहेंगे सरकार को? अब ये विभागीय अधिकारियों से इस बारे में चर्चा करके, क्योंकि गणना जब हम चाहें तब हो जाए या भारत सरकार की तरफ से किया जाएगा या कोई एनजीओ है वो करेंगे, तो विभागीय अधिकारियों से समीक्षा करने के बाद ही तय करेंगे इसको। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे मोहम्मद अकबर जो बता रहे थे कि बाघों की जो गिनती सामने आई है, दरअसल उसमें बस्तर का जो इलाका है जो कि बहुत बड़ा भूभाग है छत्तीसगढ़ के लिहाज से, और उस भूभाग में लोगों की रुचि नहीं है तो वहां पे कैमरे किस बिना पर लग गए, और इस संबंध में अधिकारियों से चर्चा करने के बाद कोशिश सरकार की ये होगी कि सही आंकड़े सामने आए। कैमरामैन अखिलेश के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता। अगली खबर जो इंदौर में लोकायुक्त ने